हाई एंड हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टूडेंट यू पी एस सी सो वी आर डिस्कसिंग क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड दिस इज चैप्टर ट्वेंटी थ्री विच इज़ ऑल अबाउट द रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन सो इसके पहले जो फेज चल रहा था वो चल रहा था रैनसा का फेज है ना रैनसा के बाद आप मान लीजिए एक रिफॉर्मेशन का पीरियड भी चल रहा था एंड यू कैन से दिस इज़ अ पीरियड वेर इन विच द रिलीजियस सेक्शन वॉज रिफॉर्म्ड

का क्या रोल रहा है जॉन कैल्विन का क्या रोल रहा है काउंटर रिफॉर्मेशन क्या है और रिफ़ॉर्मेशन के क्या क्या इफेक्ट हुए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली देख लीजिए रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ठीक है तो ये कहाँ पर हो रहा था यूरोप में ही हो रहा था और ये हो रहा था बेसिकली सिक्सटीन सेंचुरी के आसपास सो so, यहाँ पे क्या हो रहा था ना देर वॉज अ वेरी बिग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्रिश्चियन चर्च इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप तो यूरोप में क्या हो रहा था यूरोप में चर्च ने बहुत ही ज़्यादा अपनी डोमिनेंट पोजिशन ऑक्यूपाई करके रखी हुई थी चर्च और जो चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुईल पोजिशन ऑक्यूपाई करके रख ली थी और फ्यूटलिस्टिक पॉलिसीज अडॉप्ट करके रखी हुई थी तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट मान लीजिए एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से एक नए रिलीजन का जो है एमरजेंस हुआ जो कि है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजन तो आप जानते हो कि क्रिश्चियन रिलीजन इज़ बेसिकली डिवाइडेड इंटू द टू रिलीजियस सेक्स यू कैन से दैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स तो प्रोटेस्टेंट्स का जन्म यहीं से ही हुआ एमरजेंस यहीं से ही हुआ सो so, एक बहुत ही बड़ी रिलीजियस मूवमेंट थी ठीक है और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस चेंजेस नहीं देखोगे बट यहाँ से आप एक नए एरा देख लोगे जो कि पूरा रिफ़ॉर्म होना शुरू हो गया और ये रिफॉर्मेशन बेसिकली जनरेट हुआ था स्टार्ट हुआ था जर्मनी से और लेटर ऑन दूसरे कंट्रीज़ यूरोप के वहाँ पर फैला अब देखिए कॉजिज़ पहले जानते हैं तो फर्स्ट इन द फोमोस कॉजिज इज़ द क्रिश्चियन चर्च तो क्रिश्चियन चर्च किसके अंदर हुआ करता था पोप के अंदर आज भी पोप एक बहुत ही अच्छी पोजिशन ऑक्यूपाई करता है तो क्रिश्चियन चर्च पोप जो है उसके अंदर आता था और पोप जो था सारी चीज़ें कमांड किया करता था बट मिडिल एजेस में इनके जो इंस्टीट्यूशंस थे वो फ्यूटिक फ्यूटलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो गए थे और बहुत ज़्यादा लैंड और वेल्थ ये लोग ऑक्यूपाई करने लगे थे पोप के पास सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पावर नहीं इसने पॉलिटिकल पावर भी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था इनका है ना पॉलिटिकल अफेयर्स में भी ये हस्ताक्षेप करते थे इसकी वजह से इन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ है रिलीजियस ड्यूटीज़ है उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया निगलैक्ट करना शुरू कर दिया पोप और जो क्लर्जी थे वो लग्जरियस लाइफ वगैरह जीने लगे है ना और पोप जैसे कि एलेक्जेंडर सिक्स लुइस टू लियो टेंथ हु इन द फिफ्टीन एंड दिक्सटीन सेंचुरीज विद दियर एक्टिविटीज अंडर माइंड द एंड द रिस्पेक्ट एंड प्रस्टीज ऑफ द चर्च ओके तो ये पहले पहला रीजन था दूसरा रीजन रेनासा ठीक है रेनासा इज द सेकेंड रीजन अब रेनासा आ गया था तो नाउ पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आ गई है तो तो ना अमंग द मासज लोग डाउट करने लगे चीज़ें लोग बाइबल खुद से पढ़ने लगे और ये रियलाइज़ करने लगे कि चर्च की क्या एक्चुअल एक्टिविटी है क्लर्जी के क्या एक्चुअल एक्टिविटी है है ना एंड दे वर नॉट अकॉर्डिंग टू द परसपेक्ट ऑफ द बुक्स है ना होली बुक बाइबल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे हैं अब और इन द प्रिसडिंग ईयर्स ऑफ द रिफॉर्मेशन बहुत से राइटर्स ने जो लग्जेरियस और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस जो चर्च में होती आ रही हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया उनको कंडेम किया ये कुछ राइटर्स के वर्क हैं जैसे कि जॉन ही हैं ठीक है थीके? ये इंग्लैंड से थे इन्होंने पोप की अथॉरिटी और उसके डीड्स को क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था और इट इज़ कंसिडर्ड एट द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन ओके नाउ आपके जो रेसमस हैं उन्होंने भी सुपरस्टिशंस के खिलाफ बोला उन्होंने क्लर्जी के सुपरस्टिशंस के खिलाफ बोला उनकी जो बुक थी द प्रेज ऑफ फॉली ठीक है जो 1509 में पब्लिश हुई थी उसके द्वारा फिर जॉन हस की बात करते हैं ये एक बोहिमेन थे एंड इन्होंने चर्च को रिफॉर्म करने के लिए काफी स्ट्रगल किया था बट ही वॉज कंडेम्ड फॉर हिज राइटिंग अगेंस्ट द चर्च एंड ही वॉज बर्न टू डेथ ओके इन द अर्ली एफर्ट्स ऑफ हिज रिफॉर्म मूवमेंट इन्होंने बताया कि जो चर्च है आ, उसकी क्या क्या इंटेंशंस हैं और किस तरह से रिफॉर्मेशन होना चाहिए ओके okay? सो so, इस तरह से आपको देखने मिलेगा आर द अर्ली एफर्ट्स टू रिफॉर्म द चर्च ओके नाउ थर्ड रीजन द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द यूरोप तो देखो अब जैसे जैसे कि हमने पढ़ा था जोग्राफिकल डिस्कवरी हुई अब यूरोप के लोग दूसरे लैंड में जाने लगे दूसरे लैंड में जाने लगे तो नेशन स्टेट डेवलपमेंट डेवलप होने लगे और ये जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं दूसरे लोग हैं उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहाँ पे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एन्जॉय करने लगे ठीक है पोप एम्पर का इन्फ्लुएंस कम हो गया पीपल बिगिन टू तो रिस्पेक्ट द किंग एंड द नेशंस है ना अब लोग किंगशिप में बिलीव करने लगे ओके okay, इसी वजह से द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल चर्च स्लोली गेव अवे टू द नेशनल चर्चेस नाउ अब मार्टिन लूथर का कंट्रीब्यूशन जानते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपके पूरे रिफॉर्मेशन मूवमेंट में तो बेसिकली इनके बारे में डिटेल थोड़ी बेसिक डिटेल ले लीजिए ही द रिफॉर्मेशन बेसिकली स्टार्टेड इन वेयर जर्मनी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये किसके द्वारा लेट किया गया था लीड किया गया था इट वॉज लेड बाय मार्टिन लूथर ओके okay. ये इनका जो जन्म हुआ था वो आइसलबिन में हुआ था 1483 में अर्फुट यूनिवर्सिटी से ये एजुकेटेड थे और ये 1508 में मॉन्क बन गए थे फिर दो साल बाद ये विजिट किया इन्होंने रोम में एंड ही वॉज़ वेरी वेरी शॉकड टू सी द वर्ल्डी लाइफ लेंड लेड बाय द रोमन क्लेजी तो बहुत ही शौक थे कि रोमन क्लर्जी कितनी अच्छी वर्ल्डली लाइफ और आ, कैसी यू नो you know, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं फिर उसके दो साल बाद ही received हिज डॉक्टरेट इन थियोलॉजी ठीक है फिर उसके बाद उन्होंने एज अ प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे systematic सिस्टमेटिक uh, campaigns जो है वो शुरू कर दिए ये बताना शुरू कर दिया कि चर्च के क्या क्या ईबल्स हैं ठीक फिर उसके बाद देखें इन 1517, Pope पोपलियो टेंथ उन्होंने जॉन टैट्जल को भेजा जर्मनी में टू सेल द इंटलिजेंस अब आप बोलेंगे कि वॉट इज़ द सेलिंग ऑफ इंटेलिजेंस सो देखो क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने कोई सिन किया है अगर आपने कोई पाप किया है तो अपने पाप का पश्चाताप अगर आप करना चाहते हो आपको पता है आपको रियलाइजेशन हो गया है कि आपने कुछ पाप किया है अब आपको उस पाप को दूर करना है है ना तो यहाँ पे चर्च ने एक सोल्यूशन बताया उसका कि आप क्या करो आप जो है पैसे दो जो भी चर्च बनाए जा रहे हैं उसमें उसको रिनोवेट करने के लिए मनी रेज करो तो उससे आपके पाप धुल जाएंगे जैसे कि आप इंडिया में लोग बहुत से मानते हैं कि गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है यू कैन सेल योर इंडलजेंसेस ओके बाय गिविंग और बाय रेजिंग द मनी ओके सो इस तरह से उन्होंने ये सोल्यूशन बताया एंड एंड इंडलजेंस वॉज ऑलरिजिनली ट अ प्रोमिस गिवन टू अना फॉर द रेमेशन ऑफ द पनिशमेंट इफ ही रिपेंटेंट एंड कन्फेस्ड सो आपके जो पोप लियो टेंथ है उन्होंने ही यूज द सेल ऑफ इंडेलिजेंस टू रेज द मनी तो लोगों के जो सेल ऑफ इंडेलिजेंस है उससे पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ये चीज़ लूथर ने पकड़ ली उन्होंने इस प्रैक्टिस को अपोज किया ओके okay? अभी यहाँ पे लूथर साहब ने क्या किया जॉन तेंजिल जब विटनबर्ग्स गए तो लूथर ने ये जो लिस्ट ऑफ अब्यूजेज है अब्यूज ऑफ इंटेलिजेंस उसको चर्च के डोर के वहाँ पे बाहर नहीं कर दिया फिर आपके पोप लियो को समझ आ गया कि यार अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है दैन ही एक्सकम्युनिकेटेड लूथर इन जनवरी फिफ्टीन ट्वेंटी वन एक्सकम्युनिकेटेड का मतलब दिस इज बेसिकली एक्शन ऑफ ऑफिशियली एक्सक्लूडिंग समबन फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन द सर्विसेज ऑफ द क्रिश्चियन चर्च यानी कि चर्च से अब इनको बहिष्कृत कर दिया गया था फिर लूथर बर्न दिस ऑर्डर इन पब्लिक ये जो ऑर्डर निकाला गया उसको उन्होंने पब्लिक में जला दिया फिर पोप गए चार्ल्स फाइव के पास पास ठीक है अ रोमन एम्पर तो उनसे बोला कि यार लूथर को अब आप क्या करो पनिश करो क्योंकि वो चर्च के खिलाफ बोल रहा है बट लूथर का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था जर्मन प्रिंसेस की तरफ से ओके बट फिर भी वो एम्पर के सामने अपीयर किया है ना एंड लूथर को फिर गिल्टी साबित भी किया गया बट बिफोर द इम्प्रिजमेंट उस उनको उनके दोस्तों ने वहाँ से भगा लिया उसके बाद उन्होंने जो न्यू टेस्टमेंट है उसको ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज में थी उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसफर ट्रांसलेट uh, किया उन्होंने बहुत ही पॉपुलर बुक द स्मॉल कैटेजम जो है 1529 में वो लिखी पब्लिश की एंड देन ही लेफ्ट टू द लाइफ ऑफ सिकलूशन टिल द डेथ इन 1546 ओके okay? ये जो इमेज है वो चार्ल्स फाइव की है अब बात करते हैं जब लूथर चले गए उसके बाद क्या हुआ रूरल पीपल जो थे जर्मनी के उन्होंने रिलीजियस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया एंड दे बिकेम द पीजेंस ऑफ वॉर इन 1524 एंड 25 ये जो रिवॉल्ट था वो बहुत ही बुरी तरीके से सप्रेस किया गया बहुत से पीजन को मासाकर कर दिया गया इट इट वॉज अ वेरी वेरी बिग ग्रेट मासाकर इन द डाइट ऑफ स्पीय विच मैटर इन फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स द रिलीजियस क्वेश्चन वॉज रेज अगेंस्ट द जर्मन प्रिंसेस फिर यहाँ पर इस पूरी डाइट ने बोला कि आप एक काम करो प्रिंसेस को बोला कि आप अपना रिलीजन खुद से चूज कर सकते हो ठीक है बट आपके जो एम्पर चार्ल्स फाइव थे उन्होंने इस डिसीजन को रिवोक कर लिया फिफ्टीन ट्वेंटी नाइन में एंड देर फोर जर्मन प्रिंसेज ड्रू अपॉन अ प्रोटेस्ट जर्मन प्रिंसेस प्रोटेस्ट में आ गए और अपने आप को बोलने लगे प्रोटेस्टेंट्स और यहीं से वो आपका ओरिजिन हुआ ओरिजिनेट हुआ है नाम एंड इट वॉज ओनली इन द पीस ऑफ ऑक्सबर्ग इन 1555 फॉर्मल अप्रूवल दिया गया था एम्पर के द्वारा के प्रिंसेस या तो कैथोलिक रह सकते हैं या फिर लूथरन रह सकते हैं अब लूथरन कहाँ से आया वर्ड मार्टिन लूथर से ही आया ओके ही इट ऑल्सो गेव रिकोगशन ओनली टू लूथरन एक्ट नॉट द ज्विंग और Calvinism, वो आप आगे, आगे, आगे जाके पढ़ेंगे आगे सेशन में कि ये दो क्या होते हैं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूथर के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोगों को बोला कि आप अलाउड हो ओके सो दिस इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन वेर इन विच वी डिस्कस द काजेज एंड द रिफॉर्मेशन एंड मार्टिन लूथर इन दैक्स्ट सेशन हम आगे की चीजें पढ़ेंगे एंड दिस इज अबाउट दिस सेशन आई होू लाइक दिस वीडियो एंड यू यू डि यू कैन सब्ब्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दिस प्रिंट यू पी एस सी एप टू प्रैक्टिस बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So, identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPCS ऐप। यहाँ पर आप अपने बुक्स, चैप्टर और टॉपिक wise प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखे सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यू के लिए परफेक्ट ऐप है आई विल सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच